ये केरल कंट्रोल है, उसका थर्मोस्टेट है, इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे? इसमें 5 वायर लगा है, ये ग्रीन है, ये रेड है, वाइट है। ये कनेक्शन ये ऑलरेडी इस पर मेंशन किया हुआ है, देखिए ऊपर है ना ग्राउंड लिखा है, एक RX प्लस TX प्लस और एक है RX माइनस और TX माइनस। सेम ये बोर्ड में भी लिखा हुआ है, जो कलर लगाएंगे ग्राउंड में वही, देखिए मैं दिखाता हूँ, बोर्ड में भी वैसा ही कनेक्शन करना है। एक PCB के कॉर्नर में रहता है, ऑलरेडी इसमें लिखा है RX R माइनस T माइनस और R प्लस T प्लस और एक ग्राउंड लिखा है। तो R माइनस में वाइट लगाए हैं और R प्लस में रेड है और ग्राउंड में ग्रीन है। सेम यहाँ भी लिखा हुआ है, थर्मोस्टेट के स्टिकर रहता है। देखिए ग्राउंड है, इसमें ग्रीन लगा दिए हैं और बोर्ड में भी ग्रीन लगाए थे, देखिए बोर्ड में भी ग्रीन लगाए हैं और उसके बाद रेड है, इसमें मेंशन किया हुआ है रेड RX प्लस TX प्लस और दूसरा है RX माइनस TX माइनस। सेम जो कलर इधर जोड़ेंगे वही सेम वहाँ जोड़ देंगे और ये है, इसमें 24 वोल्ट देंगे तो ये थर्मोस्टेट एनर्जाइज होता है। तो इसका पावर लेंगे, देखिए ऊपर वाला ग्राउंड है और नीचे वाला 24 वोल्ट है, ऑलरेडी यहाँ भी लिखा हुआ है, ऊपर वाला ग्राउंड है और ये नीचे वाला 24 वोल्ट। तो इसको हम लेंगे ये यूनिट के, देखिए ये 15 है ना, ये ग्राउंड है, यहाँ से मैं लिया हूँ, एक वायर लेना चाहिए लेकिन मैं 3 वायर एक साथ कर दिया हूँ और ये 17 है 24 वोल्ट, ये जा रहा है थर्मोस्टेट एनर्जाइज करने के लिए। इसको देंगे तो ये एनर्जाइज होगा थर्मोस्टेट और यहाँ से ये कमांड को देगा PCB को, PCB देगा कॉन्ट्रेक्टर को कंप्रेसर चलने के लिए।